इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कैसे हम लोग प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑलरेडी प्रोडक्ट क्रिएटेड है, लेकिन हम लोग क्रिएट करेंगे और ये सारे जो इमेज है, इन सारी इमेज को हम लोग यहाँ से हटाएंगे और इसकी जगह हमारी जो पसंदीदा जो इमेजेस है, जो हमारे प्रोडक्ट होंगे, उस इमेज को हम लोग ऐड करेंगे। सो चलते हैं अपने डैशबोर्ड में और कैसे क्रिएट कर सकते हैं हम लोग प्रोडक्ट, देखते हैं। तो लेट्स गो। हम आ चुके हैं अपने डैशबोर्ड में। ये हमारा डैशबोर्ड है वर्डप्रेस का। सो आपको सबसे पहले क्या करना है, प्रोडक्ट क्रिएट करने के पहले आपको कैटेगरी क्रिएट कर लेना है। सो हम लोग कैटेगरी क्रिएट करेंगे सबसे पहले प्रोडक्ट कैटेगरी। तो आपको आना है अपने प्रोडक्ट में, यहाँ पे प्रोडक्ट पर क्लिक करना है और प्रोडक्ट के बाद आपको दिख रहा है यहाँ पे कैटेगरीज। सो आपको कैटेगरीज पर क्लिक करना है। तो हम यहाँ पे 2 दिन कैटेगरी बनाएंगे, उसके बाद हम लोग प्रोडक्ट ऐड करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एसेसरीज, हुडीज, टी शर्ट के यहाँ पे कैटेगरीज बने हुए हैं। सो हम लोग इसको एडिट करेंगे। सबसे पहले हम लोग नया क्रिएट कर लेते हैं। तो हमारी जो रहेंगे कैटेगरी वो होंगे वुमेन की कैटेगरी होगा और स्लग ही अपने आप क्रिएट हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं यहाँ पे इमेज ऐड करने का करना, तो आप यहाँ से इमेज भी ऐड कर सकते हैं और इसकी सब कैटेगरी भी क्रिएट कर सकते हैं। सो हम लोग यहाँ पे इमेज अपलोड कर लेते हैं। हम लोग अपने ड्राइव से कुछ इमेजेस ले लेते हैं। सो सेलेक्ट फाइल्स पर क्लिक करेंगे और आप अपने वो ये सारी इमेजेस आप डाउनलोड कर सकते हैं। पिक्सल है और भी बहुत सारे साइट्स हैं जहाँ पे आपको फ्री इमेज मिल जाती है, और आप गूगल से भी इंस्टॉल ये सारे इमेजेस डाउनलोड कर सकते हैं। सो ये वुमेन के कैटेगरी है, तो मैं यहाँ वुमेन के लिए कैटेगरी के लिए इमेज ले लेती हूँ। सो ओके, देन आपको यहाँ पे ये इमेज लोड हो रही है। लोड होने के बाद आपको ये इमेज यूज इमेज पर क्लिक कर देना है। सो हमारी ये कैटेगरी बन चुकी है और हमें ऐड न्यू कैटेगरी पर क्लिक करना है। सो ये हमारी कैटेगरी बन चुकी है। अब हमें यहाँ पे इन सबको एडिट करना होगा। सो एक और यहाँ बना लेते हैं मेन के लिए। मैन के लिए हमको मैन लिखना है और स्लग में ही अपने आप स्लग तैयार हो जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। डिस्क्रिप्शन में आप ऐड कर सकते हैं, जैसे कि दिस इज मैन कैटेगरी, ठीक है। और भी कुछ आप लिख सकते हैं अपने अनुसार, कुछ भी लिख सकते हैं अपने डिस्क्रिप्शन में। सो यहाँ पे हम लोग अपलोड करते हैं मैन के लिए। तो मैन के लिए टी शर्ट होगा। सो हम लोग भी इसको सेलेक्ट करके ओपन कर लेते हैं और यूज इमेज पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पे लोड हो रहा है ये यूज इमेज। सो ये हमारी कैटेगरी अपलोड हो गई है यहाँ पे, इसकी इमेज। ऐड न्यू कैटेगरी पर क्लिक करना है आपको। सो ये भी कैटेगरी तैयार हो गई। और उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे एसेसरीज है, इसको हम लोग एडिट करते हैं। हमें एसेसरीज भी डालना है। अगर आपको ये क्रिएट नहीं मिलता है, तो आप कैटेगरी जिस तरह मैंने बताया आप इस तरह क्रिएट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जैसा कि इन्होंने लिखा है शॉर्ट कैटेगरी डिस्क्रिप्शन, सो आप इसको ऐड कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम लोग इसके इमेज को चेंज करेंगे। अपलोड इमेज पर क्लिक करेंगे, अपलोड फाइल्स पे जाएंगे और सिलेक्ट फाइल्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ से एसेसरीज कोई इमेज ले लेंगे, जैसे मैं ये ले लेती हूँ। यहाँ पर क्लिक करेंगे ओपन पर। ओपन के बाद हमें यूज इमेज पर क्लिक कर देना है। नाउ आपको यहाँ पे अपडेट कर देना है। सो ये हमारा जो है अपडेट हो चुका है। गो टू कैटेगरीज पर क्लिक करना है। सो हमारी ये कैटेगरी अपडेट हो चुकी है। और ये सारे जो है टी शर्ट और हुडीज आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं, तो मैं इसको डिलीट कर देती हूँ। डिलीट, ओके पर क्लिक करना है और टी शर्ट को भी डिलीट कर देना है।
टी-शर्ट्स को भी डिलीट कर देना। ठीक है, सो ये हमारी हो चुका हम लोग का जो है, और यहाँ पे हम लोग इसको भी एडिट कर सकते हैं जो अनकैटेगराइज्ड है, तो हम लोग इसको आप चेंज कर सकते हैं इसको। सो हम लोग ने ये कैटेगरी क्रिएट कर लिया है। सो हम लोग आते हैं ऑल प्रोडक्ट्स में। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके बहुत सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पे एडेड है, जैसे लगभग 12 प्रोडक्ट्स आपके ऐड है यहाँ पे। सो हम लोग यहाँ पे सबको डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे हम लोग खुद से प्रोडक्ट क्रिएट करेंगे। सो आप सबको करिए डिलीट, मूव टू ट्रेस एंड अप्लाई। सो यहाँ पे आपको ऐड न्यू पर क्लिक करना है प्रोडक्ट ऐड करने के लिए। तो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट का नाम लिखना है। मैं प्रोडक्ट का नाम लिखती हूँ मैन। मैन क्लॉथ। गुड लुकिंग, तो मैंने ये नाम रखा, और डिस्क्रिप्शन में भी मैंने इसी को कॉपी कर देना है। वेरी कंफर्टेबल एंड मैंने ऐसा लिख दिया। रफली मैंने ये लिख दिया। और रेगुलर प्राइस के लिए आपको यहाँ पे, जैसे कि मैंने इसको लिख दिया 400 रेगुलर प्राइस। तो मैं इसको सेल करना चाहती हूँ, तो मैं इसको लिख देता हूँ 350। ओके, एंड ये आपको यहाँ पे ये सेट हो चुका है। प्रोडक्ट शॉर्ट डिस्क्रिप्शन भी आप दे सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पे आप लिख सकते हैं शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में, मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ। और यहाँ पे टेक्स्ट में जा करके आपको कॉपी कर देना है यहाँ पे। ठीक है, ऐड हो चुका है। आपको यहाँ पे देखना है अपने राइट साइड में। राइट साइड में आपको यहाँ पे प्रोडक्ट टैग भी ऐड कर देने हैं, जैसे कि मैं इसको लिख देती हूँ मैन टी शर्ट, मैन कंफर्टेबल वियर। ठीक है, तो मैंने ये ऐड कर दिया। अब कैटेगरी जो है हमें चूज कर लेना है पैड। आप यहाँ से भी कैटेगरी क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद आपको प्रोडक्ट इमेज चूज करना है। यहाँ पे आप बहुत सारी इमेज चूज कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट के, और यहाँ पे सिंगल प्रोडक्ट की इमेज चूज कर सकते हैं। सो मैं ये प्रोडक्ट की इमेज चूज कर लेती हूँ, और यहाँ पे सेट प्रोडक्ट इमेज पर क्लिक कर देना है। और उसके बाद आपको पब्लिश पर क्लिक कर देना। फिर आप नए प्रोडक्ट को ऐड करना चाहते हैं तो सेम प्रोसेस आपको फॉलो करने हैं, और आपको कम से कम 7 8 10 प्रोडक्ट आपको ऐड कर लेने हैं। ठीक है, ताकि आपके यहाँ पे सारे प्रोडक्ट दिख सके। ठीक है, तो मैं यहाँ पर प्रोडक्ट ऐड करती हूँ फटाफट। 2 3 मैं ऐड करूंगी, फिर आप भी अपने से 2 3 ऐड कर लीजिएगा। सेम प्रोसेस आपको फॉलो करने हैं। जैसे कि मैंने इसके पहले मैन रखा था, तो मैंने यहाँ पे वुमेन रखना है। वुमेन टी शर्ट मैंने ये सिर्फ सिंपली रख दिया, और मैं इसी को कॉपी करती हूँ जस्ट फॉर स्मूथ प्रोसेस। वेरी कंफर्टेबल। ठीक है,
और देखो मेरे को कॉपी कर देना है, तो प्राइस सेट कर देना है हमें 500, इसका जो है डिस्काउंट रहेगा, सेल है ये। यहाँ पे आपको क्लिक करना है इस बटन पे और यहाँ पे उस टेक्स्ट को पेस्ट कर देना है। टैग डाल सकते हैं, वुमेन है और वुमेन टी शर्ट है, वुमेन वियर, ठीक है। और यहाँ से भी वुमेन कैटेगरी को चूज कर लेना है और सेट प्रोडक्ट इमेज पर क्लिक करना है। और यहाँ से आपको वुमेन का इमेज चूज कर लेना है वुमेन टी शर्ट के लिए। सो मैं इसी को उसका सिलेक्ट करती हूँ। और इसको पब्लिश कर देना है। सो ये प्रोडक्ट हम लोग का ऐड हो चुका है। हम लोग ऑल प्रोडक्ट पर क्लिक करके देख सकते हैं कि हमने कितने प्रोडक्ट ऐड किए हैं। सो इसी तरह आप भी एसेसरीज, मेन टी शर्ट और वुमेन टी शर्ट ऐड करके, प्रोडक्ट क्रिएट करके आपको कम से कम 9-10 प्रोडक्ट क्रिएट कर लेने हैं। जैसे कि हम लोगों ने 2 प्रोडक्ट ऐड किया, यहाँ पे हमने प्राइस सेट किया और यहाँ पे कैटेगरीज दी, हम लोग ने टैग्स लगाया है। सो ये पब्लिश हो चुका है। सो इसी तरह मैं कम से कम 9-10 प्रोडक्ट ऐड कर ले रही हूँ। ये आपका भी टास्क है, आपका ये असाइनमेंट है कि आप 9 और 10 प्रोडक्ट और ऐड करें, और इमेजेस आप गूगल से ले सकते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे कम से कम 12 प्रोडक्ट ऐड कर लिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। सो आई होप आप लोगों ने भी अपने वेबसाइट में, अपने लोकल होस्ट में 12-13 प्रोडक्ट को जो आप ऐड कर लिए होंगे। सो जितना प्रोडक्ट हमारे पास होगा उतना ही हमारी वेबसाइट अच्छी दिखेगी, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट होंगे, हमारे पास कैटेगरी होगी। सो अच्छी वेबसाइट के लिए हमें कुछ प्रोडक्ट भी ऐड करने चाहिए। सो इसलिए मैंने यहाँ पे 12 प्रोडक्ट ऐड कर लिया है। सो इस वीडियो में मैंने यही दिखाया कि हम लोग कैसे प्रोडक्ट ऐड करते हैं और कितने प्रोडक्ट होने चाहिए एज अ गुड वेबसाइट। सो नेक्स्ट वीडियोज में हम लोग जो है ये, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये प्रोडक्ट को एडिशन यहाँ पे किया गया है और यहाँ पे होम पेज का जो हमारा इंटरफेस है ये बिल्कुल चेंज होने वाला है। क्योंकि अब अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करती हूँ इस वेबसाइट को तो ये बिल्कुल नहीं दिखा, क्योंकि मैंने यहाँ से कैटेगरी हटा दिया, प्रोडक्ट हटा दिया, तो ये कुछ चेंजेस हो जाएंगे। बस आपको एक्सेसरीज और कुछ प्रोडक्ट्स शो करेंगे जैसे कि आप देख सकते हैं। सो हमारे प्रोडक्ट यहाँ से बहुत ज्यादा डिफरेंट दिख रहे हैं जैसा कि आप देख रहे हैं। ये ज्यादा गुड लुकिंग है जैसा कि आप देख सकते हैं। सो कुछ और हम लोग यहाँ पे एडिशन करेंगे, हम लोग एलिमेंटर से जो है हमारे अब होम पेज को अच्छा डिजाइन करेंगे, ठीक है। ये थोड़े टेक्स्ट को चेंज करेंगे, कलर्स को चेंज करेंगे, ठीक है। सो अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियोज में। टिल देन बी कंसिस्टेंट एंड बी अनलिमिटेड।